हाँ कहाँ पहुंचे? मैं तो पिछले 10 मिनट से यू टर्न ले रहा है क्या? जल्दी हाँ, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। मामा मत जाओ ना, थोड़े दिन और रुक जाओ। बेटा अपना सारा काम छोड़ के आया था मैं, और छुट्टी नहीं ले सकता। एक दो दिन और रुक जाओ ना, मेरी जगह वसूली तू करेगा। पता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है? एक आदमी मेरे 50,000 रुपए नहीं दे रहा था, तो मैंने गुल्लू से कहा उसका सर मुड़वा के फोटो खींच के उसी के फेसबुक पे डीपी लगा दे। पता चला वो पहले से ही गंजा था। 26 लाइक मिले वो अलग। पर मामा आप चले जाओगे तो हमारी प्रॉब्लम्स को कौन दूर करेगा? ए बेटा तू बड़ा हो गया है, अब अकेले लड़ना सीख। जिंदगी में तीन चीजें हमेशा आती रहेंगी, टट्टी, चुनौती, चूतिए। टट्टी को बहा दो, चुनौतियों से निपट लो, चूतियों से दूर खिसक लो। कब तक अपने मामा की हेल्प लेगा? और वैसे भी ज्यादा लफड़ा हुआ तो एक फॉर्म घुमा दो, टीटू मामा हाजिर। हेलो किधर? अरे तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें GPS दिया है, उसको यूज करना सीखो। तुमसे अच्छा तो रिक्शा वाले हैं, साला दिल्ली के ऑटो वाले को पता होता है मेरी भोपाल की मौसी कहाँ रह रही है। अबे कौन सी गली में घुस गया तू? रुक मैं आ रहा हूँ। मामा चल बेटा मिलता हूँ, मम्मी पापा का ध्यान रख। और जो वैसलीन की बोतल बिस्तर के नीचे रखी उसको वापस अलमारी में रख दे, मामा तंग नहीं करेगा। ओके बच्चों बाय, मिलता हूँ, फोन करता रहूंगा। चल बाय। बैच अपने मूड सही कर, पहले भी तो तीनों सबसे निपट लेते थे। बाय द वे ट्यूशन में तीन नई लड़कियां आई हैं यार, बहुत क्यूट है। चल हेलो बोल के आते हैं, उनसे RS भी ले आएंगे। लड़कियां रॉयल स्टैग सप्लाई करती हैं? RS अग्रवाल। ओ नमस्ते बेटा, नमस्ते। लड़की के चक्कर में मत फंसो, अपना लो ब्रह्मचार्य। खुद का उठता नहीं और हमें समझा रहा। हर बार मजाक नहीं करते। ये बात तेरे बाप ने भी तुझे देख के पहली बार आंटी से बोली थी, बार बार ऐसा मजाक नहीं करेंगे। आपने पापा को इंजेक्शन क्यों मारा? ओ पता चल गया, तो खुद ये गर्दन के बीच में मारेगा तो दिखेगा नहीं। क्यों मारा? क्यों, कब, कैसे, ये तो वक्त ही बताएगा बेटे। बुला फाले वक्त को। मुहावरा है, कितनी नफरत भरी आपके अंदर। चाहे जो आए लेके दिल में इतनी नफरत। सबके लोड़े लगाना, टीटू मामा की है आदत। स्लैब से करेंगे तेरा स्वागत। टीटू भाई, टीटू मामा, अब वापस कैसे? गाड़ी में बैठते ही पता चला कि मैं अपना फोन का चार्जर तो इधर ही भूल गया हूं, तो लेने आ गया तेरी। अब बंदर को लकुआ मारा, ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है बे? बंदर नहीं, मैं शेर का बेटा हूँ। आंटी जंगल कब गई? और ये हाथ में क्या है? लड्डू लाया हूँ, आज मेरे लिए खुशी का दिन है। ओहो मुबारक हो, नसबंदी करा ली? नसबंदी नहीं कराई है, मेरा प्रमोशन हुआ है। भोफड़ी वाले से और ऊपर क्या होता है? ए, उड़ी उड़ी उड़ी। ए, जीजा जी को इंजेक्शन क्यों मारा? तुम लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, तो उसका बदला किसी से तो लेना था। तो बबलू जी की कुछ तस्वीरें, खाते हुए, बिना खाते हुए, हंसते हुए, बिना हंसते हुए, कपड़ों के, बिना कपड़ों के, इस पेन ड्राइव में है। उनको खुद को भी नहीं पता, बेचारे बेहोशी में अपना फोटो शूट करा बैठे। क्या चाहिए तेरे को? 50 लाख रुपए, नहीं तो इस पेन ड्राइव की सारी फोटोज ऑफिस के हर एम्प्लॉय के पास होगी। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? बबलू जी बेहोशी में बोल तो रहे थे कि उनकी सेविंग्स और FD मिला के कुल 40 लाख तो हैं, बाकी तुम देख लो। मामा बेटा गांड का इलाज हो सकता है, गांडू का नहीं। क्या गारंटी है कि अगर मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा तो इनको वापस तक नहीं करेगा? आप क्यों दोगे पैसे? मैं दूंगा। तू अकेला नहीं है बैंचू, मैं भी तेरे साथ हूँ, साथ में कुछ जुगाड़ कर लेंगे। इवन आई विल कंट्रीब्यूट। ओहो दोस्त दोस्त की मदद कर रहे हैं, वाह। अब तू क्या समझेगा दोस्ती को? इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपने दोस्त खुद चुन सकता है। ऐसे दोस्त मिलने उतने मुश्किल है जितना पॉर्न फिल्म में लॉजिक। अरे माँ बाप, भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार के आगे बेस्ट नहीं लगाता कोई, लेकिन फ्रेंड के आगे बेस्ट लगा सकती है, क्योंकि पता है कि ये इंसान जिंदगी की हर मुश्किल में मेरे साथ फंसेगा। ऐसी यारी निभाने के लिए गूदा चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में कटले वो घोस्ट होता है, लेकिन जो साथ रह के टेंशन ले वही दोस्त है। क्या लगता है ये बच्चा तुझे 50 लाख रुपए दे पाएगा? अरे वो इसके 400 रुपए नहीं लौटा पा रहा, फिर भी बोल पड़ा कि मैं जुगाड़ कर लूंगा। क्यों बोला ऐसा? ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दोस्तों के बिना जिंदगी मतलब निप्पल के बिना छाती, पॉइंटलेस। भाषण अच्छा है। कितने सेल्फिश हो, सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। तभी तो तेरी फक्ट अप है। हाँ बोलो, रुक, एड्रेस क्या है? तेरे घर बैग पहुंच जाएगा। 29F जनकपुरी। 29F, वो बैग पहुंचा दियो। ओला बाहर से बोला, मेरी ट्रेन भी छूट गई, धंधे में फिर नुकसान होगा अब। हेलो कविता, हाँ वो कुछ जरूरी काम आ गया था तो मेरी ट्रेन मिस हो गई। अरे गुस्सा मत करो, मैं अगली ट्रेन पकड़ के आ जाऊं। अरे तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हें मेरी कसम, रोना नहीं, रोना नहीं। क्यों मामा? शादी से पहले मैंने कविता को वादा किया था कि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, पर आज मैंने वो वादा तोड़ दिया, तेरी वजह से। मैंने कहा था मुझसे मत भिड़ना। पेशाब की धार से अपनी मर्दांगी साबित करने वाले अक्सर अपनी पैंट में मूंद देते हैं, अब तू देख।
उंगली नीचे कर। मुझे पता था इसकी यही फैंटेसी है, तभी तो बीवी दुखी रहती है। मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश है क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। हंस लो। लेकिन 50 लाख का मालिक कौन? मैं। इस कीचड़ शेर की लड़ाई में जीता कौन? मैं। तुम सब पे हंसेगा कौन? मैं। बकरी क्या कहती है? मैं। तू बैंकॉक में किसी लूसी से मिला था क्या? लूसी? हाँ वही, जिसको तू रात को अपने कमरे में लेके गया था। तुझे कैसे पता? टीटू नाम है मेरा। कॉम्पिटिटर की बरकत और दुश्मन की हरकत दोनों पर नजर रखता हूँ। अभी क्या है, तेरे घर पे एक बैग पहुंचेगा जिसमें लूसी और तेरी चुम्मा चाटी और 7 सेकंड के बाद की बूंदाबांदी दोनों की वीडियो है। 5 सेकंड में निपट गया इनो। काम करे फुरु सिर्फ है सेकंड में। होला काम खत्म 5 सेकंड में। हेलो। हाँ काला बैग क्या है उसमें? पेनड्राइव? उसको खोलना मत, हाथ में लगाना, मैं अभी आ रहा हूँ। 50 लाख रुपए रखेगा कौन? हम। इस गीदड़ और शेर की लड़ाई में जीता कौन? हम। तुझ पे हंसेगा कौन? हम। लड़कियां गुस्से में क्या बोलती हैं? ये अच्छा नहीं किया तूने। पेन ड्राइव देके जा। ओला। तेरी बीवी ने तेरा बैग अगर खोला तो पिछाड़े के टुकड़े कर देगी 16। फिर तू रोड पे आ जाएगा लेके झोला। चल निकल। It's caught in the crossfire.